नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निलीशा एंड आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं काफ्तान। सो अगर आपके पास कोई पुराना दुपट्टा रखा हुआ है या कोई पुरानी साड़ी रखी हुई है सो आप उसे कन्वर्ट करके काफ्तान बना सकते हैं। मेरे पास एक पुराना दुपट्टा रखा हुआ है जो कि मुझे बहुत पसंद है उसका फैब्रिक, सो मैं उसी को कन्वर्ट करने वाली हूँ काफ्तान में। सो अगर आप अपनी साड़ी के साथ काफ्तान बना रहे हैं तो आपको साड़ी को 2 मीटर कट करना होगा देन काफ्तान बनाना होगा, बिकॉज हमारी साड़ी काफ़ी बड़ी होती है एंड हमें 2 मीटर फैब्रिक सफिशियंट है काफ्तान के लिए। सो बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन होगा उसे जरूर हिट करें, इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर तो बनता ही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है मेरा दुपट्टा, मैं इसे डबल फोल्ड कर लूंगी लाइक दिस। अब मेरे पास में आ गया है एक फोल्डेड साइड और एक ओपन साइड। सो मेरा दुपट्टा है नियर अबाउट 2 मीटर्स। ये फोल्ड करने के बाद में इसकी लेंथ आ रही है 39 और जो इसका विड्थ है वो 40 है टोटल। सो मेरे काफ्तान के लिए ये लेंथ और विड्थ सफिशियंट है। अब मैं इसके ओपन साइड पे ऑल पिन लगा रही हूँ ताकि जब मैं इसके फोल्डेड साइड पे वर्क करूँ तो कपड़ा यहाँ वहाँ ना खिसके। सो जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी टोटल विड्थ है 40, मैं इसका मीड पॉइंट लूंगी, इसका मीड पॉइंट 20 पे आएगा। 20 पे मीड पॉइंट लेने के बाद में मैं इसके दोनों साइड 3-3 इंच पे मार्क कर लूंगी जो कि मेरे गले की चौड़ाई रहेगी। अब पहले मैं इसे बैक नेक के लिए मार्क करूंगी, मुझे मेरा बैक नेक चाहिए 3 इंच, सो मैं इसमें 3 इंच पे मार्क कर लूंगी। अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला लूंगी एंड राउंड नेक के बीच में मैं सेफ्टी पिन लगा लूंगी, सो ये कपड़ा कट करने में इजी रहेगा। अब हम हमारे काफ्तान का बैक नेक कट करेंगे जो हमने मार्क किया है। इसे बहुत आराम से प्रॉपरली कट करना है हमें। बैक नेक कट करने के बाद में हम फ्रंट नेक के लिए मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। मुझे मेरा फ्रंट नेक चाहिए 6 इंच, सो 3 इंच तो हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं, यहाँ से हम 3 इंच और ले लेंगे डाउन साइड। 6 इंच पे मार्क करने के बाद में अगेन हम लोग इन तीनों लाइंस को मिला देंगे। अब हमें फ्रंट नेक के लिए सिर्फ ऊपर की लेयर कट करनी है, नीचे की लेयर कट नहीं करनी है। अब हम फ्रंट और बैक नेक दोनों को अंदर की साइड फोल्ड करके हैम कर लेंगे। मैं इसे सुई धागे के थ्रू कर रही हूँ, अगर आपके पास स्टिचिंग मशीन है तो आप मशीन के थ्रू कर सकते हो एंड अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू है तो आप फैब्रिक ग्लू भी यूज कर सकते हो। सो यू कैन सी मैंने इसे हैम कर लिया है। अब मेरे पास ब्लू कलर की लेस रखी हुई है जो कि मैं इसके नेक में इंसर्ट करने वाली हूँ। अगेन मैं इसमें सुई धागा यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू है तो आप फैब्रिक ग्लू के थ्रू कर सकते हो, स्विंग मशीन है स्विंग मशीन के थ्रू भी कर सकते हो। अब मेरे काफ्तान का नेक रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। अब मैं अपने काफ्तान के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड पे पॉम्पॉम लेस यूज कर रही हूँ ब्लू कलर की, यू कैन सी। अब मेरे काफ्तान के दोनों साइड में लेस लग चुकी है, मैंने नीचे वाला हिस्सा खाली छोड़ के रखा है बिकॉज मैं नीचे वाले हिस्से में लेस नहीं लगाना चाहती थी। अगर आप नीचे वाले हिस्से में भी लेस लगाना चाहते हैं तो आप लेस इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं अपने काफ्तान के ऊपर ड्राफ्टिंग पेपर रख के नेकलाइन से मिलाकर ड्राफ्टिंग पेपर रखने के बाद में मैं इसमें साइड से इसे मार्क कर रही हूँ, आर्म होल से लेके हिप राउंड तक दोनों साइड मार्क कर लूंगी। अगर आपके पास ड्राफ्टिंग पेपर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसमें अपना पुराना कोई कुर्ता रख सकते हैं या कोई आपकी फिटिंग की ड्रेस है वो भी रख सकते हैं आप, और आर्म होल से लेके हिप लाइन तक मार्क कर सकते हैं। मार्किंग करने के बाद हम लोग इसकी साइड्स स्टिच कर लेंगे आर्म होल से लेके हिप राउंड तक जहां हमने मार्क किया है दोनों साइड से। एंड फाइनली काफ्तान इज रेडी।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hope you enjoy this video. Thank you.